गई भाई, जीत गई, वर्षाताई जीत गई, जीत गई भाई, जीत गई, वर्षाताई जीत गई। अखबार आगे बढ़ो, वर्षाताई का अखबार आगे बढ़ो, जय हिंद दोस्तों। रियल न्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। पहली खास करके इम्पोर्टेंट खबर, भारत नगर 92 वार्ड में, यहाँ पे जिस तरह पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो एक्टिविटी दिखाई, जो काम करे, उस हिसाब से वर्षा एकनाथ गायकवाड़ जो है एमपी इलेक्शन जीत चुकी है, उसकी खुशी में खास करके यहाँ पे कार्यकर्ताओं का एक अजीब सा हुजूम देखने मिला है। और पूरे भारत नगर में, पूरे 92 वार्ड में इस किस्म का हुजूम देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये लोगों की जो जीत हुई है वो डेवलपमेंट को लेके जीत हुई है, और कहीं ना कहीं आगे जाके डेवलपमेंट होगा, इस बारे में यहाँ के लोग ने एक भरोसा किया, एक विश्वास किया। तो विश्वास पे क्या वर्षा गायकवाड़ खरी उतरेंगी या आगे किस तरीके के काम दिखाएंगे, उनके कार्यकर्ता राजेश रिडलान से हम पूछताछ करेंगे। आइए राजेश जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से इससे पहले भी आपने एक बाइट दिया था, खास करके कांग्रेस के काम को लेके, कांग्रेस की कमिटमेंट को लेके, कहीं ना कहीं ये जीत अलायंस की हुई है, जिसमें खास करके शिवसेना उद्धव ठाकरे बाला साहब का बहुत अच्छा खासा रोल रहा, बहुत अच्छा खासा एक्टिविटी रही, प्लस NCP है, प्लस SP है, ये लोगों ने अच्छा सहयोग दिया है। तो आज जीत की खुशी में आप यहाँ के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं पूरी बांद्रा विधानसभा के तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने वर्षाताई गायकवाड़ को एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड, मतलब पूरे लोकसभा में ना सबसे ज्यादा अगर लीड दी हमारे महाविकास आघाड़ी के नेता को, तो बांद्रा विधानसभा ने दिया है। उसके लिए मैं तहे दिल से बांद्रा विधानसभा के हमारे सभी रहवासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं, मेरे जितने भी साथ में मेरे साथी थे, जितने भी हम लोगों ने काम किया, हमारे अख्तर भाई, बाबा भाई, जावेद जी, नौसाद भाई, हमारी बहन है नाज, विनोद गुप्ता, तेगी जी, और ऐसी तमाम हमारी सारी महिलाएं बैठी है हमारे यहाँ से, रणधीर सारसर, प्रदीप बोत, राहुल डुलगच, दिनेश बोत, ऐसे बहुत सारे हमारे राजकुमार सुनसुना, राजकुमार चंदेलिया, ऐसे सारे कार्यकर्ताओं ने जीत तोड़ के, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये चुनाव है ना हमारे लोगों ने लड़ा है, हमारी खास करके मैं सभी महिलाओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक महिला को मान सम्मान दिया है, और ऐसी महिला को मान सम्मान दिया है जो अडानी जैसे बड़े, बहुत बड़े उद्योगपति से लड़ी हुई धरावी के विकास के लिए आज भी लड़ रही है। और ऐसी महिला अगर यहाँ पर आई है बांद्रा विधानसभा में, तो मैं पूरे तहे दिल से ये मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि भारत नगर के विकास में इतनी तेजी आएगी कि आप लोगों को देखना, एक साल के अंदर हम भारत नगर का विकास करवा देंगे। इससे पहले के एपिसोड में कहीं ना कहीं आपको टारगेट किया गया, आपके पार्टी को टारगेट किया गया है बीजेपी पार्टी को लेके, तो खास करके वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और इससे पहले आपने हमारे एपिसोड में कुछ कांग्रेस से कचरा हट गया, इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस को तो एक कांग्रेस है ना विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। आज ये सारे लोग आए ना, ये किसी के बहकावे में या किसी उसमें नहीं आए, कांग्रेस एक विचारधारा है और कांग्रेस कभी खलास नहीं हो सकती। आप लोगों ने देखा, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने देखा, जितने भी गोदी मीडिया थे सबने 401 का टारगेट दिया हुआ था। आज वो दिन आ गया है जब वो स्मृति ईरानी, वो इतनी बड़ी बड़ी बात करती थी और इतनी बुरी तरीके से आ रही है, कार्यकर्ता से आ रही है। वो बोलते थे ना, कार्यकर्ता की छेद आसमान में छेद नहीं, आसमान में छेद कांग्रेस ने करके दिखाया है, और कांग्रेस ने लोगों का विकास किया है। कांग्रेस एक विचारधारा है। मैं पूरी जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरे विधानसभा में, क्योंकि मैं 5 बजे से मैं पोलिंग एजेंट का मैं जा गया हुआ था, वहां पर हमारे आर ओ वगैरह सब थे, हमारे सारे साथी थे, हम 5 बजे से लगे हुए थे। इतना अच्छा माहौल था ना, इतने अच्छे माहौल में आज बंबई की पांचों के पांचों सीट जीते हैं। एक सीट हमारे, उसका दुख है, लेकिन आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाएंगे, यह हम आपको वादा करते हैं।
जिस तरह से वर्षा एकनाथ गायकवाड़ जी का काम बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एसआरए को लेके मसला चालू था वो मसले के हिसाब से ही कहीं ना कहीं यहाँ की आवाम चुन के लाई है, तो आगे वर्षा गायकवाड़ जी इनके भरोसे पे खरी उतरेंगी? देखिए, वर्षा ताई एक ऐसी महिला है जिसके खून खून में लोगों की सेवा है। हमारे स्वर्गवासी एकनाथ गायकवाड़ जी आज हमारे बीच नहीं है, वो उनकी सुपुत्री है। दो बार वो एमपी रह चुके हैं, चार बार हमारी ताई मिनिस्टर रह चुकी है, दो बार मिनिस्टर रह चुकी है, आज धरावी के एमएलए है। उनके अंदर काम करने की क्षमता है। जहां भी जनता का हमारे लोगों का फायदा होगा, जिस भी डेवलपमेंट में, उस डेवलपमेंट को लेके हम कुछ ही दिनों में, जैसा कि अभी आप जानते हो कि 15-20 दिन तो कुछ होने वाला नहीं है, सब भागदौड़ में लगे सरकार। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी डर चुका है, सुबह 11 बजे वो मीटिंग ले रहा है, कल ही राष्ट्रपति से मिलेगा। आने वाले में दिनों में देखना, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और वर्षाताई एकनाथ गायकवाड़ मिनिस्टर बन के आएगी आप लोगों के। जिस तरह से 92 वार्ड में डेमोलिशन का काम बड़े जोरों शोरों में चल रहा है, तो आगे ये काम के लिए रोक लगेंगी आपकी पार्टी के तरफ से? यहाँ पे यहाँ के आम नागरिकों को अपने एमपी को ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, तो आपकी एमपी यहाँ पे क्या एक ऑफिस बना के आपको एक बैठक बना के देंगी? मैं पूरी भारत नगर की नहीं, पूरी बांद्रा विधानसभा की जितने भी हमारी वार्ड 92 की भी सब लोगों से मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत जल्दी भारत नगर में एक ऑफिस बनाने जा रहे हैं और उस ऑफिस में हर महीना या हर 10 दिन में उनकी तरफ से तो ऑफिस के पे तो बैठेंगे लोग, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी एमपी हमारे बीच में रहेगी, हमारे बीच में रहेगी ताकि लोगों का काम सुनेगी। रही डेमोलिशन की बात, विकास को कोई नहीं रोक सकता, और विकास में जहां भी गलत तरीके से विकास हो रहा है ना, एसआरए में हो रहा है, यहाँ 33 की लैंड है, गलत तरीके से अगर विकास होगा तो उसको होने नहीं देंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पिछले जो एपिसोड में आपने मुझसे पूछा था और वो लोग बता रहे थे, जो लोग कल तलक जिन्होंने यहाँ पर 35 लगाया, वो कल तलक हमारे साथ में थे, मेरे साथ में थे वो, आज वो कुछ उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, भटक गए वो और बीजेपी में जाके आज वो उल्टा लक्षण कांग्रेस पे लगाने लग गए। तो उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि जब उनके वालिद यहाँ के नगर सेवक थे तो उस टाइम पे उन्होंने मना कर देना चाहिए था, भाई इधर तेरा ये एसआरए नहीं लगना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, जनता को डरने की जरूरत नहीं है। जहां पर 33-5 होगा वहां पर 33-5 में करेंगे, जहां पर 33-10 होगा वहां पर 33-10 में होंगे। विकास के लिए हम सबसे आगे हैं, अगर किधर भी गलत होगा तो उसके लिए मेरी पूरी पार्टी वर्षाताई और मेरी कांग्रेस पार्टी और मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा। जिस तरह से राजेश हिडलान जी ने अपनी बातें बताई है, जिस तरह से आश्वासन यहाँ के आवाम को दिया है, हमारे रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम के तरफ से भी वर्षा एकनाथ गायकवाड़ जी को, हमारे एमपी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और ख़ास करके हमारा ये अपील है कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट को लेके काफ़ी मसले चालू है और यहाँ के नागरिक काफ़ी परेशान हैं, और ख़ास करके आपको यहाँ के नागरिकों के भरोसे पे खरा उतरना है। तब तक हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गायकवाड़ आगे बढ़ो, वर्षा ताई गायकवाड़ आगे बढ़ो, विकास अगाड़ी चा, विकास अगाड़ी चा, वर्षा ताई गायकवाड़ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, गांधी प्रधानमंत्री बनो, हम तुम्हारे साथ, गांधी प्रधानमंत्री बनो, हम तुम्हारे साथ, जीत गए भाई, जीत गए, जीत गई भाई, जीत गई, जीत गई भाई, जीत गई, जीत गई।